छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज किसानों की आत्महत्या, मानव तस्करी, गांजे की तस्करी और कस्टम बिलिंग को लेकर हंगामा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीज 2,69,000 के पार। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 95.69% हुई। राज्य महिला आयोग ने जांजगीर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना खेती किसानी कार्य के लिए बनी मददगार। बलरामपुर जिले में 80,000 से अधिक किसान हो रहे हैं लाभान्वित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज किसानों की आत्महत्या, मानव तस्करी, गांजे की तस्करी और कस्टम मिलिंग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार स्थगित करनी पड़ी और कस्टम मिलिंग के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने खाद्य मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक रजनीश सिंह ने खाद्य मंत्री से जानना चाहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में धान खरीदी केंद्रों और संग्रहण केंद्रों में कितनी मात्रा में धान रखे गए हैं और मिलिंग के लिए उठाव नहीं किया गया है। इसके जवाब में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि 11 दिसंबर की स्थिति में संग्रहण केंद्रों में 4,15,000 टन धान शेष है। कस्टम मिलिंग का कार्य चल रहा है। 31 दिसंबर के बाद ही शेष धान की वास्तविक स्थिति बताई जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कई केंद्रों में धान खराब हो गया है। उन्होंने इसकी सदन की कमेटी से जांच कराने की मांग की। विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि सदन में गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। खाद्य मंत्री ने कहा कि कस्टम मिलिंग लगातार जारी है, इसके आंकड़े अलग अलग हैं। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान ही कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने राजनांदगांव जिले में राइस मिलरों के पंजीयन का मामला उठाया और कहा कि कई राइस मिलरों के पास बिजली कनेक्शन ही नहीं है और उनके द्वारा 60,000 टन धान की मिलिंग की जा चुकी है। उन्होंने इस मामले की जांच कराने की मांग की। इस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मामले की जांच की घोषणा की। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश में मानव तस्करी का मामला उठाया और कहा कि जशपुर से बस्तर तक मानव तस्करी हो रही है, इसे रोकने के लिए जिले में समिति बनाई जानी चाहिए। इसके जवाब में गृहमंत्री ने कहा कि 8 जिलों में मानव तस्करी रोकने के लिए टीम गठित कर दी गई है। अन्य जिलों में भी पुलिस अधीक्षक अपने स्तर पर टीम गठित करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,69,000 से अधिक हो गई है। वहीं वर्तमान में 15,000 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में अब तक कोरोना से 3,212 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि यूनाइटेड किंगडम से भारत पहुंचने वाले और छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के एयरपोर्ट या अन्य मार्ग से राज्य में आने पर एयरपोर्ट पर कराए गए आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट की जांच की जाएगी। रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर एसओपी के अनुसार संस्थागत क्वारंटाइन कोविड केयर सेंटर या अस्पताल में रखा जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव होने पर यात्रियों को एसओपी अनुसार स्वयं को 14 दिन होम आइसोलेशन में रहने की सलाह देने को कहा गया है। दूसरी ओर देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर और बेहतर होकर 95.69% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 96,63,000 से अधिक हो गई है। देश में कुल सक्रिय मामले 2.86% हैं। वर्तमान में देश में मृत्यु दर 1.45% है, जो शेष दुनिया की तुलना में काफी कम है।
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने जांजगीर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। सुनवाई में कुल 21 प्रकरण रखे गए थे, जिनमें एक प्रकरण को सुनवाई के पहले ही रजामंदी होने के कारण नस्तीबद्ध किया गया। वहीं 8 प्रकरणों को रजामंदी और सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण नस्तीबद्ध किया गया। इस दौरान महिला आयोग के अध्यक्ष ने महिलाओं को समझाइश देते हुए कहा कि घरेलू और आपसी मनमुटाव का समाधान परिवार के बीच किया जा सकता है। जांजगीर के कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित सुनवाई में मुख्य रूप से महिलाओं से मारपीट, मानसिक संताप, कार्यस्थल, दहेज और शारीरिक प्रताड़ना से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की गई। सुनवाई में कलेक्टर यशवंत कुमार और पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर भी मौजूद थी। ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों में कमी लाने के लिए पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कोरबा पुलिस ने साइबर जागरूकता रथ की शुरुआत की है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने दर्री थाने से इस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि इस जागरूकता रथ के लिए आम लोगों को ऑनलाइन ठगी के मामलों की जानकारी वीडियो क्लिप के जरिए दी जाएगी, साथ ही लोगों को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे फिट इंडिया अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल द्वारा भिलाई में साइलोथोलन और दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों और जवानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बीएसएफ के कार्यवाहक महानिरीक्षक प्रदीप कटियाल ने कहा कि अगर शरीर तंदुरुस्त है तो ही व्यक्ति बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। उन्होंने लोगों को फिट इंडिया अभियान के बारे में जानकारी देते हुए स्वस्थ रहने की अपील की, ताकि देश को मजबूत बनाया जा सके। किलोमीटर की साइकिल रेस और 1 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये मूवमेंट को चलाया है, उसके तहत बीएसएफ भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और हम चाहते हैं कि हमारे जवान जो है और तंदुरुस्त रहें, शारीरिक स्वस्थ रहें और बीमारियों से दूर रहें और जो तनाव मुक्त रहें, उसके लिए ये जो शारीरिक व्यायाम है और एक्सरसाइजेज हैं, इसका बड़ा महत्व है। और उसी चीज़ को हम जो है इसको बढ़ाने के लिए इस का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान रैली भी निकाली गई, जिसमें बीएसएफ के करीब 150 अधिकारी और जवान शामिल हुए। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना खेती किसानी कार्य के लिए मददगार साबित हो रही है और इससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। छत्तीसगढ़ के किसानों को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। बलरामपुर जिले के 80,000 से अधिक किसान इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से लाभान्वित किसानों का कहना है कि उनके परिवार का भरण पोषण कृषि पर निर्भर है। किसान सम्मान निधि योजना खेती किसानी के लिए मददगार साबित हो रही है और कृषि के व्यवसाय से उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। खेती किसानी आज 30 साल से कर रहा हूँ। अब हम लोग को भाई सरसों भी है, मकई भी है, धान भी है और किसान निधि भी हम लोग को मिल रहा है ना। उस पैसा से हम लोग को बहुत उत्साह भी है। पैसा अभी बच्चों को पढ़ाई में लगा रहा हूँ, उसके बाद किसान का भी हम लोग का भी उससे कुछ लाभ भी हो जा रहा है। लाभ हो रहा है कि भाई हर मिल ही रहा है, जब से चालू हुआ तब से मिल रहा है।
मेरे पास कुल 2 एकड़ जमीन है जिसमें मैं खेती करता हूँ। अब प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत मुझे 5 किस्तों का 2,000 रुपये करके मिल चुका है, जिससे मैं खेती में खाद उद का उपयोग करता हूँ और मेरा इसी में ही गुजारा चल जा रहा है। पिछला करीब 40 साल से मैं खेती करता हूँ। और घर में हम लोग 5 सदस्य हैं जो खेती बाड़ी के ही निर्भर में रहते हैं। और ये प्रधानमंत्री वाला जो निधि निकला है सम्मान निधि, उसमें हम लोग का पैसा मिल रहा है, 3 किस्त मिल गया है। उसमें हम लोग का भारी राहत हो रहा है, जिसमें से हम लोग के खाद बीज खरीदने का वो हो रहता है। कृषि विभाग के उप संचालक अजय अनंत ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। इस योजना के तहत करदाता किसानों को छोड़कर बाकी सभी किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि 3 किश्तों में दी जाती है। ये प्रोत्साहन राशि किसानों के खाते में केंद्र सरकार द्वारा अंतरित की जाती है। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले क्रिसमस पर्व को लेकर मसीह समाज में काफी उत्साह देखा जा रहा है। गिरजाघरों में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। भिलाई स्थित गिरजाघर में कैंप फायर, सामूहिक कैरोल गीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मसीह समाज के लोग शामिल हुए। क्रिसमस के आगमन के पहले गिरजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। चर्च के पास्टर विकास डेनियल ने बताया कि हर वर्ष लोगों के घरों में कैरोल की टीमें पहुंचती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार ये आयोजन चर्च में ही किया गया है। क्रिसमस मना रहे हैं, जब से चर्च का स्थापना हुआ है तब से लेकर हम लोग अभी तक कैरल सिंगिंग के लिए निकला करते थे, जिसमें कैरल सिंगिंग में हम लोग घर घर जा करके मसीह लोगों के घर घर में जा करके जो हमारे चर्च के मेंबर हैं उनके घर घर जा करके गीत संगीत गा करके प्रभु के जन्म का संदेश दिया करते थे। परंतु इस वर्ष क्योंकि कोविड का समय है और हम लोग ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते या सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है, ये ज़्यादा किसी से मिल नहीं सकते, इसलिए हम लोगों ने ऐसा आयोजन किया कि हमारी परंपरा भी ना टूटे और हम लोग परमेश्वर के संदेश को गीतों के माध्यम से सामूहिक रीति से यहाँ पर हम दे सकें। वहीं कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जशपुर जिले के कुनकुर स्थित एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च इस बार क्रिसमस पर्व के मौके पर आम लोगों के लिए बंद रहेगा। गिरजाघर के बिशप एमानुएल केरकट्टा ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार रोजरी के महारानी गिरजाघर में क्रिसमस का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। जैसे और साल त्यौहार को मनाते आए थे बहुत ही जोश और अच्छी तैयारी के साथ में, उस प्रकार का ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं दिखाने के लिए कि हम लोगों के दुख सुख में शामिल हैं, और इसलिए तब उनका दुख हमारा दुख, इसलिए हम बहुत ही सादगी से मनाएंगे। और महागिरजाघर में तो हमने इस प्रकार से लोगों को आने से मना कर दिया है कि हम चूँकि यहाँ बहुत भीड़ होती है और एक प्रकार से डर भी लोगों में, मान लिया अधिक संख्या होगी तो मान लिया कोरोना वायरस फिर से फैल गया यहाँ से तो गलत संदेश जाएगा, इसलिए हम महागिरजाघर में इस पर इस त्यौहार को नहीं मना रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कुनकुर स्थित गिरजाघर में हर साल क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ एक साथ 10,000 श्रद्धालु प्रार्थना कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज किसानों की आत्महत्या, मानव तस्करी, गांजे की तस्करी और कस्टम मिलिंग को लेकर हंगामा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीज 2,69,000 के पार। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 95.69% हुई। राज्य महिला आयोग ने जांजगीर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जनसुनवाई की।
और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना खेती किसानी कार्य के लिए बनी मददगार। बलरामपुर जिले में 80,000 से अधिक किसान हो रहे हैं लाभान्वित। कोरोना से बचाव के लिए मास्क सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।